तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिद्वार बजीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कौन सी वीडियो। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, आज हमने अपने बजीज को दिया है बॉयल राइस, उबले हुए चावल। तो सबसे पहले हम उसको बजीज के बर्तन में रखने के बाद केज में रखेंगे। तो अब चलते हैं केज में और रखते हैं बर्तन को। तो केज में रखने के बाद सबसे पहले हम करेंगे गेट को बंद, जिससे हमारा बजीज उड़ ना जाए। अब थोड़ी देर रखने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बजीज पैरोट राइस को खाने के लिए कैसे नीचे उतर गया है और कितने मज़े से खा रहा है। दोस्तों, आप भी मेरी तरह अपने बजीज को उबले हुए चावल दे सकते हैं, क्योंकि चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और चावल हमारे बजीज पैरोट के लिए बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोटीन और मिनरल्स फाइबर्स होते हैं, उनकी हमारे बजीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बजीज की सेहत के लिए ये सब बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके बजीज की सेहत अच्छी रहेगी तो वह अच्छी ब्रीड करेगा, नहीं तो वह एक ही जगह बैठा रहेगा और ब्रीड भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप भी अपने बजीज से अच्छी और बेहतरीन ब्रीड लेना चाहते हैं तो अपने बजीज को के रूप में बॉयल राइस दे सकते हैं। बॉयल राइस देने से हमारे बर्ड्स का जो हाजमा है वो भी सही रहता है, और आप बॉयल राइस उस समय भी दे सकते हैं जिस समय आपके बजीज पैरोट ने चिक्स निकाल रखे हो, क्योंकि उबले हुए चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी से खा लेते हैं और अपने चिक्स को भी आसानी से फीड करा देते हैं, जिससे आपका चिक्स भी हेल्थी रहता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। जिस समय चिक्स के पेरेंट्स चिक्स को फीड कराते हैं तो उनमें भी कुछ कमजोरियाँ आ जाती है, जो कि सॉफ्ट फूड के द्वारा वो भी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे भी बजीज से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।